गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 13 मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो प्रीवियस पीरियड में हमने बॉक्स मेथड से मल्टीप्लाई के सम सॉल्व किए थे, जो न्यू मेथड है। अभी तक आपने वो मेथड कभी सॉल्व नहीं की थी, पहली बार आपने वो सीखी। मैंने कहा था वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, आपको मैजिक की तरह लगेगा उसमें, ठीक है, और इजी भी है। तो जब मैं आपको वर्कशीट में ऐसे लिखूं कि सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीपल विथ बॉक्स मेथड, तब आपको वो मेथड से सॉल्व करना है, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 8 तक सम्स हो गए थे, अब हम आगे सम्स कर रहे हैं मल्टीप्लाई विथ बॉक्स मेथड। इसको हम बॉक्स मेथड का नाम देंगे, ओके। 352 मल्टीप्लाई 248, ओके। यह हमारा क्वेश्चन है, 352 मल्टीप्लाई 248। तो पहला स्टेप था कि इसको हम एक्सपांड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे 352, ओके, एंड 248, 352 का एक्सपांड फॉर्म करेंगे 300 प्लस 50 प्लस 2, और 248 का एक्सपांड फॉर्म होगा 200 प्लस 40 प्लस 8। जब देखो यहाँ पर तीन तीन नंबर है, तो हम बॉक्स स्लीपिंग में तीन बॉक्सेस करेंगे, ओके। स्लीपिंग स्टैंडिंग दोनों में तीन, ये सम थोड़े से बड़े हो गए। अब देखो ये पहला जो नंबर है उसको हम स्लीपिंग में लेते हैं और दूसरे वाले नंबर को हम स्टैंडिंग में लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 352 और यहाँ लिखेंगे हम 248, ओके। इस तरह से हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स में इस तरह से अरेंजमेंट की, जो पहला नंबर है 352 का एक्सपांड फॉर्म उसको हम स्लीपिंग में लिखेंगे, और दूसरा नंबर जो है 248 का एक्सपांड फॉर्म उसको हम स्टैंडिंग लाइन में लिखेंगे। अब हम बॉक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 200 को 300 के साथ, फिर यहाँ 200 को 50 के साथ, और 200 को 2 के साथ, ओके। अब यहाँ 40 को टर्न बाय टर्न सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके बॉक्स में लिखते जाएंगे। 40 × 300, 40 × 50, 40 × 2। अब 8 को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 8 × 300, 8 × 50, 8 × 2, ओके। तो ये है पहला स्टेप कि सबसे पहले हमने दिए हुए नंबर को एक्सपांड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया, यहाँ हमारे 9 बॉक्स का ड्रॉ होगा, क्योंकि देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, स्लीपिंग में भी 3 है और स्टैंडिंग में भी 3 है। तो टोटल कितने बॉक्स हो गए हमारे, 9 बॉक्सेस हो गए। वर्कशीट में भी आप इसी तरह बॉक्सेस ड्रॉ करके ही सॉल्व करोगे। अब देखो 200 को 300 से मल्टी किया, फिर 200 मल्टीप्लाई 500 एंड 200 मल्टीप्लाई 2। अब बीच वाले बॉक्स में देखो, बाहर नंबर है 40, तो 40 नंबर को टर्न बाय टर्न तीनों नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 40 × 300, 40 × 50, 40 × 2। अब 8 नंबर है,
एक नंबर को टर्न बाय टर्न ऊपर वाले तीनों नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 8 × 300, 8 × 50, 8 × 2। अब सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले छोटे नंबर होते थे जैसे कि 12,
तो आप क्या लिखते थे, 10 प्लस 2, फिर 100 वाले, 1000 वाले, लैख वाले, ओके। तो जो आपको मैथ्स में प्रीवियस टॉपिक्स होते हैं दैट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो सब आगे के मैथ्स में हमको यूज होते ही हैं। अब 439 को हम एक्सपांड फॉर्म कर देंगे, 400 प्लस 30 प्लस 9, ओके, एंड 147 का एक्सपांड फॉर्म करेंगे, 100 प्लस 40 प्लस 7, 400 प्लस 30 प्लस 9, 100 प्लस 40 प्लस 7। अब हम बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 439, और यहाँ पर लिखेंगे हम 147, ओके। इस तरह से हमने बॉक्स बना दिया। अब हम फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई 400, 100 मल्टीप्लाई 30, 100 मल्टीप्लाई 9। ये 100 को तीनों नंबर से हम मल्टीप्लाई करके बॉक्स के अंदर लिखेंगे। अब हम 40 को ऊपर वाले तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे, 40 × 400, 40 × 30, 40 × 9। अब हम 7 को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे, 7 × 400, 7 × 30, 7 × 9। अब हम सबका मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू करके लिख देंगे, ओके। सारे नंबर को कितने टोटल, 9 नंबर का टोटल करना पड़ेगा, तो आपको एकदम एक्यूरेंसी से टोटल करना पड़ेगा। एक नंबर की मिस्टेक मतलब पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, और मैथ्स में तो क्या है, एक नंबर रॉन्ग मतलब सब रॉन्ग, उसके फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। तो एकदम एक्यूरेटली यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बड़े बड़े आते हैं, वो ठीक से करना है, सबका टोटलिंग भी ठीक से करना है। चलो हम इसका टोटल कर दें, यहाँ पर आएगा 3, 3 सेकंड इज 6 प्लस 1 7, 7 और 6 का
14 का 3 कैरी 1, 1 प्लस 9 10, 15, 15 और 25 का 5 कैरी 2, 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11, 12, 13, 14 का 4 कैरी 1, 4 प्लस 1 5 6, 64,533 करेक्ट आंसर 64,533। ओके, तो ये है हमारी बॉक्स मेथड, जिसकी बहुत बड़ी मेथड है। आपको बॉक्स नीट और क्लीन बॉक्स ड्रॉ करने हैं, तभी आपको ये साफ दिखाई देगा, तो ही उसको अच्छे से अरेंज करके आंसर लिख पाओगे। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जीरो, देखो लास्ट में जीरो है तो जीरो ही लिख देंगे। 287 उसको हम एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, 200 प्लस 80 प्लस 7 340। 340 को एक्सपांड करेंगे तो 300 प्लस 40 प्लस 0, लास्ट में 0 है तो 0 ही आएगा। ओके, अब यहाँ तीन नंबर ऊपर और तीन नंबर नीचे है। ओके, तो टोटल हमारे बॉक्स कितने, हमारा जो एक बॉक्स होगा उसके अंदर कितने बॉक्सेस होने चाहिए, टोटल 9 बॉक्सेस होने चाहिए। ओके, इस तरह से आपको मैं बहुत प्लेस दूंगी वर्कशीट में, तो अच्छे से ऐसे बॉक्स बनाने हैं, फिर उसके अंदर सॉल्व करने हैं। ओके, तो पहला नंबर हमें दिया है 287, फर्स्ट वाला नंबर उसको हम स्लीपिंग में लिखते हैं और दूसरे नंबर को हम स्टैंडिंग में अरेंज करते हैं। ये सब वैसे दिखने में बड़ा लग रहा है पर छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो आया हुआ है, तो जीरो तीन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तीनों में जीरो जीरो आंसर आएगा, तो हमें टोटल सिर्फ 6 नंबर का ही टोटल करना पड़ेगा। अब पहले में क्या आएगा, ये 300 को टर्न बाय टर्न तीनों नंबर के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 300 × 200, 300 × 80, 300 × 7। अब हम 40 को टर्न बाय टर्न तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई में ले लेंगे। अब हमको जीरो दिया है, यहाँ स्टैंडिंग लाइन में जीरो है, तो जीरो को टर्न बाय टर्न तीनों नंबर से मल्टी करेंगे। ठीक है, 0 × 200 ओके, फिर से पूरा सब समझा देती हूँ। थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन है 287
मल्टीप्लाई 340। तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ दो डिजिट हो, यहाँ दो हो, तीन हो, या दोनों में तीन तीन डिजिट हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले उसको एक्सपांड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 287 का एक्सपांड फॉर्म होता है 200 प्लस 80 प्लस 7, और 340 का एक्सपांड फॉर्म होता है 300 प्लस 40 प्लस 0, पीछे 0 दिया है देखो, ओके, तो 0 का 0 ही लिख देंगे एक्सपांड फॉर्म में, 300 प्लस 40 प्लस 0। अब हम इस तरह 9 बॉक्सेस बनाएंगे, जिसमें जो पहला नंबर 287 का एक्सपांड फॉर्म है उसको हम स्लीपिंग में लिखेंगे, और 340 के एक्सपांड फॉर्म को हम स्टैंडिंग में लिखेंगे। अब ये जो 300 यहाँ पर दिए हुए हैं उसको ये तीनों तीन नंबर से टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई करके अंदर लिखते जाएंगे। फिर सेकंड रो में 40 को तीनों तीन नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और यहाँ 0 को तीनों से मल्टीप्लाई करके, अब हम इसको इज इक्वल टू करके आंसर लिखेंगे, 3 2 6 और 4 0 लग जाएंगे, ओके। तो क्या हो गया, 60,000, 3 8 24,000, 3 7 21,100, 4 2 8,000, 4 8 32,100, 4 7 28, पीछे 0, यहाँ पर 0 0 0, ओके। हमें पता है कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, ओके। 0 into 200 is equal to 0, 0 into 80 is equal to 0, 0 into 7 is equal to 0, ओके। तो इस तरह देखो 300 into 200 तो क्या आंसर आया, 60,000, 300 into 80 तो आंसर इज 24,000, 300 into 7 आंसर इज 2,100, 40 into 200 8,000, 40 into 80 4 8 32, पीछे 2 0 लग जाएंगे, 4 7 28, पीछे 0, तो क्या हुआ 280। और यहाँ तीनों तीन में 0 क्यों आए, क्योंकि 0 ये तीनों नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, और 0 के लिए हमें पता है कि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है, फिर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी बड़ा छोटा कोई भी नंबर हो, पर जब वो नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा आंसर 0 आता है। अब हम क्या करेंगे, ये सबका टोटल करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ 6 ही स्टेप्स आए, क्यों, क्योंकि ये 3 तो 0 0 0 है, तो उसको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी उसको काउंट करें या ना करें हमारी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको एक दूसरा इजी वे बताऊँ कि यहाँ जो मिसिंग प्लेस होती है वहाँ आप 0 भी लिख सकते हो, देखो ऐसे, तो क्या है काउंटिंग में आपको ईजी रहेगा, ओके। इस तरह से 0 लिख दोगे तो हमें एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट प्रॉपरली दिखाई देगा। अब हम सबका प्लस कर देंगे, 8 5 97,580, करेक्ट आंसर है। देखो हम धीरे धीरे करें तो एक में भी हमारी मिस्टेक नहीं हो रही। ओके, तो इस तरह से तीन डिजिट वाले सम्स सॉल्व होते हैं। अभी हमारा लगभग प्रीवियस पीरियड में भी हमने किए थे 8 तक, और आज तो ये बड़े सम्स है तो हमारे 3 ही हो पाए। देखो आप
तीन सम करो या 50 सम करो, आपको सिर्फ मेथड ही लर्न करनी होती है। ओके, मेथड याद रखनी होगी कि मैं इसमें नंबर्स तो बदल सकते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड है कि सबसे पहले एक्सपांड फॉर्म कर देना है हमको, दिए हुए नंबर को एक्सपांड फॉर्म जो हम प्रीवियस स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, एक्सपांड फॉर्म करने के बाद हमें इस तरह का 9 बॉक्स का टेबल बनाना है। देखो सब में 9 बॉक्स का टेबल नहीं बनेगा, अगर यहाँ दो दो नंबर है तो 4 बॉक्स का टेबल बनेगा, यहाँ 2-3 है तो इस तरह से 6 बॉक्स का ही टेबल बनेगा, और अगर दोनों में 3-3 डिजिट दिए हुए हैं तो 9 बॉक्स का टेबल बनेगा। फिर इस तरह से हम जो पहला नंबर है उसको स्लीपिंग में और दूसरे को स्टैंडिंग में अरेंज करते जाएंगे, और अंदर इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका टोटल करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट